भीषण आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 लोग जख्मी हुए हैं। सभी लोगों की मौत दम घुटने से हुई है। घायलों का ब्रीच कैंडी केईएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। वन अबव रेस्टोरेंट में सबसे पहले आग लगी। वन अबव रेस्टोरेंट में मोजो रेस्टोरेंट में आग फैली। आग से बचने के लिए कई लोग वॉशरूम में घुस गए। वॉशरूम में धुएं से दम घुटने की वजह से लोगों की मौत हो गई। रात 12:30 बजे रेस्टोरेंट में आग लगी थी। दमकल की 8 गाड़ियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह अभी तक हालांकि साफ नहीं हो पाई है। मामले में पुलिस ने वन अबव रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्टोरेंट बार में ये रात में करीब 12:30 बजे आग लगी। 14 लोगों की जान चली गई। 12 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। उनका इलाज चल रहा है। जो रेस्टोरेंट मालिक है उस पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त मैं कमला मिल कंपाउंड के उसी इमारत के नीचे खड़ा हूं जहां रात 12:30 बजे भीषण आग लगी थी। मोजो ब्रिस्टो रेस्टोरेंट जो आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, मोजो ब्रिस्टो रेस्टोरेंट था, वहां पर सबसे पहले आग पकड़ी और उसके बाद उस आग ने पूरे इमारत को अपने चपेटे में ले लिया। 15 मासूम जाने जो है वो इस हादसे में चली गई है। इसके ठीक बगल में लंदन टैक्सी बार था और वहां पर भी आग जो है वो पकड़ा और वहां उस इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा और वहां पर भी जो लोग पहुंचे हुए थे उन्हें भी नुकसान पहुंचा। इसके आसपास जो भी इमारतें थी, मीडिया हाउसेस काफी हैं, उनको नुकसान पहुंचा। एक तरीके से कमर्शियल हब है कमला मिल कंपाउंड और यहां पर आग लगना, आखिर फायर सेफ्टी नॉर्म्स थे या नहीं थे वो बड़ा एक सवाल होगा, लेकिन शुरुआती तफ्तीश में बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। 15 लोगों की जान चली गई है, 2 अभी भी क्रिटिकल है और कई लोग जो है वो अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं। राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, मुंबई। गुरुवार रात कमला मिल कंपाउंड के जिस पब और रेस्टोरेंट में आग लगी है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये जो आपको इस वक्त कैमरामैन दिखा रहे हैं वो मोजोज था जहां पे आग लगी है और इस वक्त आप तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं। पब भी था यहाँ पे और रेस्टोरेंट भी था, पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। अभी भी जो कई सारे शराब की बोतलें हैं या फिर आपको कहें कि जो टेबल जिसपे सर्व किया जाता है, जिसपे परोसा जाता है, वो आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं कि जलकर खाक हुआ है। अगर मैं बीच में आपको दिखाऊं जो पार्टीशन है बीच में, अगर कैमरामैन से कहूं कि वो दिखाएं, जो बीच में पार्टीशन है उसके ठीक उस तरफ वन अबव रेस्टोरेंट था, टेरेस के पे भी था और उसके ठीक नीचे वाले मंजिले पर भी वन अबव रेस्टोरेंट था। बताया जा रहा है कि आग जो है वो उसी वन अबव रेस्टोरेंट में पहले लगी और उसके बाद मोजो तक वो आग आई है। वन अबव रेस्टोरेंट में जब आग लगी तो वहां पर काफी लोग मौजूद थे। वहां पे बताया जा रहा है कि पार्टी चल रही थी और इस वजह से वहां पे काफी लोग मौजूद थे। सब लोग भाग के वॉशरूम में छुप गए, उन्हें लगा कि वहां पर सेफ जगह है, लेकिन यही वहां से वो निकलने में नाकामयाब रहे। धुआं इतना ज्यादा था कि दम घुटने से कई लोगों की मौत हो गई है। शॉर्ट सर्किट है वो प्राइमा फेसाइल कारण जो है वो बताया जा रहा है, शुरुआती कारण जो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। लेकिन क्या फायर सेफ्टी नॉर्म्स जो थे उनका पालन किया गया था या नहीं किया गया था, इसकी जांच जो है वो की जा रही है और आग की मुख्य वजह क्या थी इसकी भी जांच चल रही है। 12:30 बजे रात में ये आग लगी थी, उसके कुछ ही मिनटों में, तकरीबन 15 से 20 मिनटों में फायर ब्रिगेड दमकल की गाड़ियां जो है यहां पे पहुंच गई थी और 3 घंटे लगे दमकल की गाड़ियों को इस आग पर काबू पाने में। फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। अगर आसपास का मैं इलाका आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सारे स्काई स्क्रैपर्स यानी कि गगनचुंबी इमारतें हैं। अगर आग और बढ़ती तो भारी नुकसान हो सकता था, क्योंकि आप ज्यादातर इमारतों में आप देखेंगे कि शीशे जो है वो लगे हुए हैं और ऐसे इमारतों में से धुएं का बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जाता है और जो लोग अंदर रहते हैं उन्हें काफी नुकसान होता है। और अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं तो इन सारे इमारतों में आपको मीडिया हाउसेस हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के यहाँ पे दफ्तर हैं, जिनको भी नुकसान, जिन दफ्तरों को भी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल उनकी बिजली जो है वो काट दी गई है और कई मीडिया हाउसेस के प्रसारण पर भी इसका असर पड़ गया है। फिलहाल फायर ब्रिगेड जो है वो कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। 15 लोगों की जान इसमें चली गई है, कई लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर है। केईएम अस्पताल और ब्रिज कैंडी अस्पताल में लोगों का इलाज चल रहा है, लेकिन फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था या नहीं किया गया था ये जांच का विषय है। साथ ही आग किस वजह से लगी इसकी भी जांच चल रही है। कैमरामैन रमेश महिदा के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, मुंबई। अपरवे किसके है, किसने परमिशन दिया इसको, हेल्थ लाइसेंस किसने दिया, बिल्डिंग एंड फैक्ट्री का लाइसेंस किसने दिया, इस सबका इंक्वायरी होना चाहिए ना। कंसर्न अथॉरिटी है, लापरवाही उनका है।
ये सबको कानूनी परमिशन दिया गया था, किसने दिया उसका तो इंक्वायरी होना चाहिए। दुर्घटना हुआ एकदम, इसके फ्यूचर में भी काफी प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी ये सब में परमिशन देने के टाइम में। ये आग की वजह से 15 लोग का मौत डिक्लेयर हुआ है और पूरा केएम हॉस्पिटल में फर्दर प्रोसीजर्स शुरू है, पूरा घटना का तपास चल रहा है, तपास होने के बाद आपको पूरा फिगर्स एंड फैक्ट्स बताते हैं। तो बहुत ही दुख भरी खबर, रेस्टोरेंट बार में ये आग लगी, हादसे में 14 लोगों की जान चली गई, 12 लोगों की हालत गंभीर है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। रेस्टोरेंट मालिक पर हालांकि एफआईआर कर ली गई है, लेकिन जिन भी लोगों की जान चली गई है उनके परिवार वालों की सोचिए कि उन पर क्या बीत रही होगी। लोग पार्टी करने के लिए गए थे, न्यू ईयर का समय है, क्रिसमस अभी बीत के चुका है और भीड़ थी उस रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा, लोग अफरा तफरी मच गई जैसे ही आग लगी और कुछ जो लोग थे वो घुस गए वॉशरूम के अंदर और वहां पर दम घुटने से उनकी जान चली गई। बहुत से सवाल ये आग छोड़ गई है अपने पीछे कि क्या फायर अरेंजमेंट्स वहां पर नहीं थे, क्या कोई मतलब ऐसा एग्जिट वे नहीं था, अगर एग्जिट वे था तो क्या उस पर कोई सामान रखा हुआ था, बहुत सारे सवाल अब सामने हैं। लेकिन जिनकी जान जानी थी वो चली गई है, बहुत ही दुखद ये खबर है। 12 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और लोगों की दम घुटने की वजह से मौत हुई है और ये वैसे तो ओपन एयर आपको रेस्टोरेंट दिख रहा है, जो हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं उसमें ये खुली हुई छत के ऊपर था, लेकिन उसमें समस्या जो आई वो ये आई कि लोग वहां से भाग नहीं पाए, एग्जिट वे नहीं प्रॉपर था और भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो जिस तरह से लोग जो बचे होंगे वो निकल गए होंगे, बाकी लोग वॉशरूम में छुप गए जहां दम घुटने से उनकी जान चली गई। ते आमच्याकडून गेलेले पेशंट सगळे स्टेबल आहेत, दुसऱ्या पेशंटची काय कंडिशन आहे याबद्दल मला सांगणं शक्य नाही। हिंदी में सर क्या कितने पेशेंट आपको, हिंदी में कितने पेशेंट है? कैमरा दिख रहे समोर को, कल करीब ठीक है, इंग्लिश बोलो अधी, ठीक कल करीब सांगा मला, तुमचा आवाज बंद करा मैं मी बोलतो। कल करीब रात को 1 से 1:15 के बजे हमारे पास कमला मेली फायर के पेशेंट्स आने लगे। 12 पेशेंट्स आए थे जो सुपरफिशियल बर्न्स के पेशेंट थे, 3% से 30% तक उनकी सुपरफिशियल बर्न्स इंजरी थी। सबको ट्रीटमेंट देके सब स्टेबल हो गए और उसमें से सब पेशेंट्स अभी घर गए हैं, नहीं तो दूसरे हॉस्पिटल में गए हैं। 12 पेशेंट्स के साथ 14 डेड बॉडीज भी आई थी, वो 14 डेड बॉडीज अभी उनका पंचनामा होके उनके सब पोस्टमार्टम हो चुके हैं, उसमें से 10 डेड बॉडीज रिलेटिव्स ने ऑलरेडी लेके वो घर गए हैं। उनका डेथ का जो कारण है वो बर्न्स और सफोकेशन ऐसा दिया गया है। अभी हॉस्पिटल में फिलहाल कोई भी पेशेंट नहीं है और सब लोग डिस्चार्ज किए गए नहीं तो दूसरे हॉस्पिटल में चले गए। सर जो पेशेंट्स आपके पास आए जो बर्न्स के थे, कितने परसेंट बर्न्स थे, क्या क्या उनकी कंडीशन थी? जो पेशेंट्स हमारे पास आए थे उनके बर्न्स 3%, 4%, 8%, 10% ऐसे थे, वो सुपरफिशियल बर्न्स थे और ट्रीटमेंट देने के बाद सब स्टेबल हो गए। पोस्टमार्टम में क्या चीजें जो जो 14 डेड बॉडीज का जो पोस्टमार्टम किया गया उसमें कॉज ऑफ डेथ ये मेनली बर्न्स एंड सफोकेशन जिसको बोलते हैं एस्फिक्सिया, उसका मेनली कारण दिया गया। सर कहीं नहीं अल्कोहल का भी वजह मानी जा रही थी जो पेशेंट, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए। तुम्हारे प्लांट में फर्क दिखता है क्या किया ये, जबकि 12 लोग जख्मी हुए हैं, ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों की दम घुटने से मौत हुई है, घायलों का ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ रहे हैं मुंबई से। राजेश, जिस तरह की आग है बहुत ही दिल दुखा देने वाली तस्वीरें हैं, जाहिर सी बात है प्राइमा फेसी ये आ रहा है सामने की शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से ये आग लगी है, क्या कोई गिरफ्तारी हुई है वो हमें बताइए, दूसरा घायलों की हालत अब कैसी है वो हमें बताइए।
देखिए बेहद दर्दनाक हादसा है, रात 12:30 बजे हादसा हुआ। उस इमारत के ठीक नीचे खड़ा हूं मैं इस वक्त शोभना, और फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामला जरूर दर्ज हुआ है, कल्पेबल होमिसाइड यानी कि गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ। कैमरामैन रमेश महिला जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो उसी इमारत की है जहां 12:30 बजे रात को आग लगी थी, वन एवोब रेस्टोरेंट जिसका नाम है। फिलहाल जो घायल है उनमें से दो की हालत जो है वो चिंताजनक बताई जा रही है, बाकी जो घायल थे उन्हें सुपरफिशियल बर्न्स था 2%, 3%, 5%, उन्हें जो है वो फर्स्ट एड डे के उन्हें घर जाने बोल दिया गया है। लेकिन 14 जाने जो हैं इस दर्दनाक हादसे में चली गई हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? जो शुरुआती जो तफ्तीश में बातें सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स जो थे उनका पालन नहीं किया गया है। साथ ही वन एवोब रेस्टोरेंट के टेरेस पे जो बार बना था उसके दूसरे हिस्से में मोजो बार था, और दोनों के नीचे उतरने का जो रास्ता था वो एक ही था। और कहा ये भी जा रहा है, जांच में भी सामने आ रहा है कि अभी रिनोवेशन वर्क हुआ था इसलिए उस जगह को ब्लॉक करके रखा गया था, यानी कि पूरी तरीके से वो जगह फ्री। जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो लापरवाही हुई है राजेश, तभी इतने लोगों की जान गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। यहाँ रुकना होगा।